जब मैंने इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट देखा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका सीक्वल भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल्म के एंड में ऐसा कुछ हिंट भी नहीं मिला था और सीक्वल आने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। पर जैसे ही इस फिल्म के सीक्वल आने का अनाउंसमेंट हुआ, जब मुझे टाइटल पढ़ने को मिला कि भाई इस फिल्म का टाइटल क्या है, और पता चला कि द हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड है फिल्म का टाइटल, तो मेरी इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। मतलब बढ़ती भी और बढ़ना भी चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है वो मेरी फीलिंग समझ सकते हैं, या फिर जो देखने वाले हैं या फिर जो देख चुके हैं उनको मेरी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो दो कैरेक्टर्स हैं, माइकल और इसके अलावा डेरियस, इन दो कैरेक्टर्स को फर्स्ट पार्ट में हमें काफ़ी अच्छे से बताया और समझाया गया था, और इनको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम और मौका भी मिला था। जबकि सोनिया किनकेट के कैरेक्टर को यहाँ पर इस फिल्म में उतना कुछ खास हमें समझाया नहीं गया था, इस कैरेक्टर को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला, स्क्रीन टाइम नहीं मिला था फर्स्ट पार्ट में। तो उस वजह से जब इस तरीके का टाइटल सामने आया तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी कि इस पार्ट में हमें इस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने जानने को मिलेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर ही अपने आप में उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ा कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पर हुआ इसका उल्टा, क्योंकि यहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर सोनिया किनकेट के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा और हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शंस और काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि माइकल और डेरियस के कैरेक्टर ने ही पूरा जगह घेर लिया फिल्म में, और स्क्रीन टाइम दोनों उन दोनों को ही मिला। बाकी इस कैरेक्टर की वही हालत थी जो फर्स्ट पार्ट में हुई, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया इस मूवी को लेकर। अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन टाइम इस सोनिया किनकेट के कैरेक्टर को ज़्यादा मिला होता और उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा तगड़े से डेवलप किया गया होता, तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो सकती थी, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो हो नहीं पाती है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस फिल्म की बात करूँ तो जैसा कि पिछले बार रशियंस पीछे पड़े थे, इस बार ग्रीस के लोग पीछे पड़ गए हैं, तो अब ये जो बॉडीगार्ड है ये कैसे बचाएगा, यही है इस फिल्म की कहानी। तो आप देखो तो ही आपको पता चलेगा, मूवी एंजॉय कर सकते हो अगर करना चाहो तो, पर मेरी बातें पहले सुन तो लो। तो इसके फर्स्ट पार्ट का रिव्यू आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, अगर आपके कुछ डाउट कन्फ्यूजन है फर्स्ट पार्ट को लेकर तो उसको देखकर आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस फिल्म की, तो ये फिल्म देखकर मैं ऐसा कहूँ बोलूँगा कि यहाँ पर इस फिल्म में मुझे एक्शन और कॉमेडी थोड़ा सा कम लगा है फर्स्ट पार्ट के मुकाबले। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये फर्स्ट पार्ट के बराबर ही हैं, पर कहीं ना कहीं जो फर्स्ट पार्ट में कॉमेडी और जो एक्शन हमें देखने को मिलते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट के लेवल को टच नहीं कर पाते हैं, उसके बराबर तो हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। हालांकि उसके बदले में इस फिल्म में हमको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि इस फिल्म में इमोशंस और ड्रामा ऐड किया गया है। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा डीप में हमें इस फिल्म में समझाया और बताया गया है। इसके अलावा उनके हिस्ट्री को, लाइफ हिस्ट्री को, कोई हिस्ट्री का कुछ पार्ट हमें इस फिल्म में दिखाया गया है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है हमें कैरेक्टर को समझने जानने में और इसके अलावा उससे कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, जो कि बढ़िया भी है। उस वजह से जो कमी खामी है एक्शन और कॉमेडी को लेकर, कहीं ना कहीं ये उसे भरने की कोशिश तो करती है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फिल्म है उस लेवल को टच नहीं कर पाती है जो कि फर्स्ट पार्ट में हमको देखने को मिला था। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के मुकाबले क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी थी इस फिल्म में, तो उस वजह से इस फिल्म का लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ गया है, पर मुझे लगता है नहीं है कि इससे ज़्यादा किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। तो मैं अगर सच बात बताऊं तो ये फिल्म मुझे फर्स्ट पार्ट के मुकाबले थोड़ी सी फीकी लगी है। हालांकि फिल्म दमदार है, बढ़िया है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा होगा सेकंड पार्ट भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें उसी लेवल की हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट के लेवल की, पर फर्स्ट पार्ट के लेवल को ये फिल्म टच नहीं कर पाती है, उसके आसपास भी नहीं है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट की में जिस तरीके की कॉमेडी, जिस तरीके के डायलॉग्स, जिस तरीके का एक्शन हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके एडवेंचर हमें पूरी फिल्म में देखने को मिला था, वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा है और मुझे थोड़ा सा हल्का लगा है उसके मुकाबले में ये फिल्म। वरना देखा जाए तो ये फिल्म भी मतलब कोई बुरी फिल्म नहीं है, आप बिल्कुल इस फिल्म को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो नहीं, पर उस लेवल का आपको मज़ा फिल्म ज़रूर दे जाएगी, तो उस वजह से आपको यहाँ पर कोई शिकायत करने वाली बात नहीं होगी इस फिल्म से। तो आप
समझ गए होंगे मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा था। फिल्म बुरी नहीं है, पर उस लेवल की नहीं है जो आपने फर्स्ट पार्ट देखकर इस फिल्म से एक्सपेक्ट किया होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे जो डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको देखना चाहिए या नहीं। पर हाँ, जिनको एक्शन कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और बाकी अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखकर इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी जो मैंने इस फिल्म को लेकर आपको बातें बताई है उसको ध्यान में रखकर अगर आप इस फिल्म को देखने की सोच रहे हो तो ही देखना, वरना डिसअपॉइंट हो सकते हो थोड़ा बहुत जितना मैं हुआ हूँ। हालांकि फिल्म हिंदी में अवेलेबल है और ये फिल्म सबके साथ बैठ कर तो आप नहीं देख सकते हो क्योंकि खून खराबा भी बहुत ज़्यादा है और गाली गलौज भी, तो उसको मैनेज कर सकते हो तो देखो लो, देख लो आपकी मर्जी है। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की, अगर आपको मेरी ये मेहनत आपका वक्त बचाने की और आपको सही फिल्म सजेस्ट करने की और सही गलत मतलब कौन सी फिल्म अच्छी है या बुरी ये सजेस्ट करने की, अगर आपको पसंद आती है तो कर दो सब्सक्राइब। जोहार।